नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज गुप्ता, आपका टेक्निकल गुरु या फिर कह सकते हैं आपका टीचर। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी द्वारा लॉन्च किया गया कोविड-19 ऐप, जिसे कोरोना कवच के नाम से भी जाना जा रहा है। चलिए आज हम जानते हैं कि ये कोरोना कवच आखिर हमें मिलेगा कैसे और इसके क्या इस्तेमाल हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पे टैप करना होगा, फिर जाके हमें गूगल प्ले स्टोर पे कोरोना कवच लिख के सर्च करना होगा, जिसमें हमें सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कोरोना कवच। इसे हम अब इंस्टॉल करते हैं और जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तब तक मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, जो ये ऐप है, जो कोविड-19 से बचाने के लिए भारत सरकार ने इसे कोरोना कवच नाम दिया है, ये एक एंड्रॉयड ऐप है जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर प्ले स्टोर से यूजर्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ये ऐप अभी बीटा वर्जन में है और इसकी जो टेस्टिंग चल रही है, माना ये जा रहा है कि इस ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने तैयार किया है और इसका फाइनल वर्जन जल्द ही आप लोगों को पेश किया जाएगा। चलिए, हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया है, अब हम उसे ओपन करते हैं। तो ये हमारा रहा ऐप, जैसा कि आप देख रहे हैं है, जिसमें हमें वेलकम मैसेज दे रहा है। मैसेज में बताया जा रहा है कि भाई आप अपनी फैमिली को सेव रखें कि इस पेंडेमिक में। चलिए अभी इस पे नेक्स्ट पे टैप करते हैं, फिर नेक्स्ट पे टैप करते हैं, फिर नेक्स्ट पे टैप करते हैं और रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले ये आपसे कुछ परमिशंस मांग रहा है लोकेशन स्टोरेज के लिए, तो उसे आपको स्टार्ट कर देना है, अलाउ कर देना है, जिससे ये आपके दोनों परमिशंस अलाउ हो गए। अब ये आपसे एक मोबाइल नंबर पूछ रहा है जहाँ पे आप अपना एक कोई मोबाइल नंबर भरने वाले हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको टैप करना होगा गेट ओटीपी और तुरंत हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिससे हमें रजिस्टर होना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है 4546। हम उसे फिल करते हैं 4546 और इसे वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही हमारा ऐप वेरीफाई होगा, हमको कोविड-19 से रिलेटेड कुछ फीचर्स और डिटेल मिलेंगे। आपको बताते चलो, इस ऐप को आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले और एप्पल iOS ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए कोरोना वायरस से जुड़े लैब व अस्पताल की जानकारी तथा रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग की फैसिलिटी भी मिल रही है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम अब हमारे इस ऐप में क्या क्या ऑप्शंस और फीचर्स हमें अवेलेबल कराए गए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस वक्त हमारा ऐप जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। इस वक्त ये एक्टिव कोरोना कोविड केसेस जो हैं उनके बारे में डिटेल्स दे रहा है, जितने केसेस डिस्चार्ज कर दिए गए हैं उनके बारे में डिटेल दे रहा है और डेथ केसेस के बारे में भी डिटेल बता रहा है और पैसेंजर्स स्क्रीन डेट एयरपोर्ट की भी डिटेल दे रहा है। अब देखते हैं हम ऑप्शंस में क्या क्या फीचर्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले ये हमारे लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज की डिटेल दे रहा है कि हम क्या क्या ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, कितने समय में कर पा रहे हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए बनाए गए हैं जिन्हें क्वेश्चनरीज कहा गया है, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि आपको क्या ब्रीदिंग लेने में दिक्कत है, आपका ब्लड का आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, आप कहीं फॉरेन कंट्री से तो नहीं वापस आए हैं, क्या आप किसी तरह का बॉडी एच तो नहीं फील कर रहे हैं, क्या आपको सूखी खांसी तो नहीं है, क्या आप किसी विदेशी यात्री के संपर्क में तो नहीं आए हैं। अब ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको आपके रियल टाइम ट्रैकिंग की डिटेल दी जाएगी। फिर यहाँ पे कुछ अपलोड्स की डिटेल दी हुई है, जिसमें यूनिक आईडी दिया हुआ है। ये हो सकता है कि अगर आपको कोविड एक्टिव पाया जाता है उसके लिए हो, इसके बारे में कोई बाकी डिटेल नहीं है। ज़्यादा डिटेल्स के बारे में हम इसके बाद वाले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जीनेट सलेमपुर और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हम देते रहें नए नए टेक न्यूज़ और जानकारियाँ। थैंक यू वेरी मच।